हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सीएसएस के यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसिस क्लोज करते हैं। उसके बीच में जो भी हमें सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है वो लिखते हैं। इस सेलेक्टर में डिफाइन की गई स्टाइल्स सभी एचटीएमएल एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाती है, लेकिन ये तभी काम करता है जब किसी एलिमेंट के लिए स्टाइल अलग से डिफाइन ना की गई हो। यदि किसी एलिमेंट के लिए अलग से स्टाइल डिफाइन की गई है या फिर वह एलिमेंट इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करता है तो इस सेलेक्टर का कोई इफेक्ट उस एलिमेंट पर नहीं होता। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं यहाँ कलर लिखता हूँ वाइट और इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं रेड। उसके बाद अपने बॉडी टैग में मैं एक H1 हेडिंग लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। और उसके बाद मैं H2 टैग में लिखता हूँ, दिस इज माई सेकेंड हेडिंग। और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। मैं इसे सेव करके अपने ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं हमारे इस पेज का बैकग्राउंड कलर रेड है और हमारे जितने भी इसमें HTML टैग्स हैं उन सभी के टेक्स्ट का कलर वाइट है। मैंने यहाँ पे तीन टैग यूज़ किए हैं, एक H1 और एक H2 और तीसरा मैंने P टैग को यूज़ किया है, और तीनों टैग्स पर हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई हो गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये टैग तभी काम करता है अगर किसी एलिमेंट पे अलग से CSS अप्लाई ना हो। मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ और इसका कलर मैं सेट करता हूँ ब्लैक। इसे सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारे H1 टैग पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर तभी काम करता है अगर किसी HTML एलिमेंट पे अलग से कोई CSS प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे।